हाय नमस्कार, बहुत दिनों बाद स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जब आप जानते हैं कि अब एक्शन चल रहा है, राउंड टू का रिजल्ट एमसीसी का आ गया है और आपने देखा है कि इंस्पाइट ऑफ कि दो कॉलेज ऐड हुए, कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ गई हैं, तो वो आप सब देख ही चुके हैं। तो उसके बारे में ना ज़्यादा बात करते हुए ये वीडियो, जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है, बंगाल के बारे में है। और आप में से काफ़ी लोगों का कमेंट्स आता था कि सर आप सब कुछ कवर करते हो, आप ये बंगाल या बिहार के बारे में या उस तरह के आप ज़्यादा वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो ठीक है जी, बना देते हैं। और एक देखिए परसेप्शन है लोगों में, या सबसे पहला मैं ये बताता हूँ कि बंगाल क्यों बहुत कम कट ऑफ पे मिल जाता है, जिस तरह हमें तमिलनाडु पौंडेचेरी मिल जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग डिसेंटली गुड कॉलेजेस, बंगाल शायद सफ़र करता है इस वजह से कि हम लोगों का ध्यान ही नहीं होता है। एक परसेप्शन बैठे हुए दिमाग में होता ना कि कुछ जगह आप देखते ही नहीं है। एक टिपिकल नॉर्थ इंडिया के रहने वाले बच्चे नॉर्थ के 5-6-7 स्टेट ट्राई करते हैं, या फिर हम सीधा IQ कोटा लेके कर्नाटका जाना पसंद करते हैं, क्यू कोटा लेके महाराष्ट्र जाना पसंद करते हैं, या फिर MCC में जो बहुत ही कम मार्क्स वाले हैं 200-210 वाले, वो पौंडेचेरी तमिलनाडु चले जाते हैं। पर आप जानते हैं कि आप 200 मार्क्स में आपको बंगाल के अच्छे पुराने कॉलेज मिल सकते थे और हैं। अब तो राउंड टू की चॉइस फिलिंग हो गई है, परसों रिजल्ट आ जाएगा बंगाल में भी। बट फिर भी तो पहले समरी, बंगाल में टोटल 10 कॉलेज है इस समय। और एडवांटेज ये है कि बंगाल एक साइज़ में छोटा और हाईली डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है। बिहार और बंगाल एक्चुअली UP से भी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। सो जनरली वहाँ पर पेशेंट फ्लो की दिक्कत होती, मरीज ही मरीज हैं। तो 10 कॉलेज हैं इसमें, कलकत्ता सिटी में 3 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसे हम प्रॉपर कलकत्ता कह सकते हैं, ठीक है, उसमें से एक हल्का सा आउटस्कर्ट्स में है और दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस। और सम टाइम होता है कि उसकी पहचान ये होती है कि कट ऑफ शेयर चल रही है। तो एक तो बंगाल में KPC करके कॉलेज है, बहुत सुनते होंगे, लो कॉस्ट भी है उसका बजट, सब्सिडाइज कॉलेज है, मतलब भाई कर्नाटका के बजट में आ जाता है। और इसकी वजह से जो उसकी कट ऑफ्स हैं वो बिल्कुल ही 500 प्लस जाती हैं। तो वो तो समझ लीजिए जो हम क्या बोलूँ, जो उस मार्क्स के बच्चे हैं 560-570 प्लस वाले, जिन्हें UP भी मिल ही रहा था, वो छोड़ के KPC कलकत्ता जाते हैं। प्रॉपर कलकत्ता सिटी के अंदर है, पुराना कॉलेज है, आप उसे बिल्कुल जो मैं कहता हूँ ग्रेट कैटेगरी में हमेशा गिन सकते हो। सो KPC इज़ कलकत्ता इज़ वन ऑफ द ग्रेट कॉलेजेस, द वे आई टेल्स यू अबाउट जॉली ग्रांट और MGM जयपुर और अरबिंदो इंदौर एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। 10 में से ये हो गया। फिर पहले ब्रॉडली तो 3 कॉलेज कलकत्ता रीजन में पढ़ते हैं, फिर एक कलकत्ता से जब दिल्ली की तरफ से जाते हैं तो अराउंड 150 किलोमीटर पहले एक सिटी आती है दुर्गापुर, विच इज़ ए डिसेंटली बिग सिटी। 3 कॉलेज उस शहर में हैं, गौरी देवी, IQ सिटी और रामाकृष्णा सनाका बोलते हैं, 3 हो गए। तो 3 कलकत्ता, 3 यहाँ, 6 एक कॉलेज है जो कि कलकत्ता और दुर्गापुर यहाँ पर है, तो इस तरफ पड़ता है, इसको हम शांति निकेतन कहते हैं। शहर का नाम बोलपुर है, बोलपुर कलकत्ता से 1.5 घंटे की ट्रेन से और तकरीबन 1.5 घंटे में चलती है। तो आपको मैं एक्सेसिबिलिटी बता रहा हूँ कि आप कलकत्ता एयरपोर्ट से उतर के बोलपुर शांति निकेतन आराम से पहुँच सकते हैं। 7 एक कॉलेज बिल्कुल हल्दिया है, जो फेमस हल्दिया पोर्ट है, जिसको हम IKEA कहते हैं। और 2 कॉलेज है जो कि एक कलकत्ता से हम एक ऊपर की तरफ जाते हैं, सो नादिया एरिया बोलते हैं, जहाँ पर लास्ट ईयर JMN खुला था और इस साल कृष्णा नगर इंस्टीट्यूट खुला है। ब्रॉडली KPC के अलावा बंगाल में जो फी स्ट्रक्चर होता है वो 20-22 लाख पर ईयर होता है, हॉस्टल्स वहाँ 2 लाख पर ईयर होते हैं। तो रफली स्पीकिंग आपका जो पूरा बजट है वो 1.10 करोड़ के करीब आता है। आपको बहुत एजेंट्स के फ़ोन आएंगे रिगार्डिंग नेगोशिएशन एंड ऑल दैट फॉर मोस्ट ऑफ दिस कॉलेजेस, बहुत फ्रॉड चलता है, जो एजेंट है हमें दे देना 5 लाख हमारे ऑफिस में आके। तो जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जनरली कोई बहुत ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करता है, हमेशा की तरफ समझते हैं कि जिसकी सीट खाली जा रही होगी राउंड 3 से पहले वही करेगा। तो अभी राउंड 2 जैसे चल रहा है, बंगाल वाले भी देखते हैं, सेम पौंडेचेरी तमिलनाडु में जो इस साल बिल्कुल भी नेगोशिएशन नहीं हो रही है, कि वो भी बिजनेस मैन है जी, वो कोई नेगोशिएशन करके खिला थोड़ा बांट रहे हैं। तो राउंड 2 के बाद अगर उनको लगता है कि सीटें खाली जा रही हैं तो दे स्टार्ट ऑफरिंग सम स्कॉलरशिप कह लीजिए, डिस्काउंट कह लीजिए। तो इन 10 कॉलेज में KPC इज़ डेफिनेटली नंबर 1, उसके बाद जिसको हम ग्रेट की भाषा में कह सकते हैं, उसके बाद IKEA जो हल्दिया में है, IQ सिटी, गौरी देवी जो दोनों दुर्गापुर में है, और जगन्नाथ गुप्ता जो कि कलकत्ता में है। ये 4 कॉलेज एक गुड कॉलेज की कैटेगरी में आराम से लिख सकते हैं। सो जगन्नाथ गुप्ता कलकत्ता, गौरी देवी दुर्गापुर, IQ सिटी दुर्गापुर, IKEA हल्दिया, तो ये नेक्स्ट सेट हो गया। जो मैं हमेशा नहीं कहता कि इन चारों में से
19-21 का फ़र्क है, कहीं भी चले जाइए फीस हर जगह सेम है, 5 हो गए। उसके बाद एक नया कॉलेज लास्ट ईयर आया GIS, कॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन अभी 2023 में आया है। ये एक्चुअली वन ऑफ दी कॉलेज है जो कलकत्ता की मेन सिटी में है, जगन्नाथ गुप्ता कलकत्ता के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में है, मतलब एयरपोर्ट से कहते हैं 30 किलोमीटर, GIS कलकत्ता के अंदर है। तो वो आ जाता है जो नेक्स्ट कैटेगरी आ गई 5 के बाद। फिर शांति निकेतन जो मैंने बोलपुर बोला, उसके अलावा रामाकृष्ण सनाका हो गया, मैं इन तीनों को नेक्स्ट कैटेगरी में डालूंगा। और वेरी फ्रेंकली JMN और कृष्णनगर, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको MBBS करनी है, जो मैं आपको कई कॉलेज के बारे में बताता हूँ, फिलहाल वो दोनों कॉलेज उस कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में हम सरस्वती उन्नाव को डालते हैं या हम और कॉलेज को मैं आपको बताते रहता हूँ। तो उस कॉलेज की लिस्ट में ही ये दोनों लास्ट में आएंगे कि अगर कहीं सीट नहीं मिल रही है MBBS करनी है, और इसीलिए आपको जस्ट क्वालिफाइड और बंगाल में बाहर का बच्चा कैटेगरी क्वालिफाइड भी जा सकता है। तो ये एक 10 कॉलेज की समरी हो गई। ध्यान आपको ये रखना है कि बंगाल में बैंक गारंटी का सिस्टम है, और बैंक गारंटी आप समझते हैं कि पहले साल की जब आप फीस दे रहे हैं तो बाकी सब सालों की आपको बैंक गारंटी देनी है। उसमें हर एक कॉलेज अलग अलग आपको ऑप्शन देता है, कोई बैंक गारंटी ही मांगता है, कोई कहता है कि हमें आधी फीस दे दीजिए तो हम बैंक गारंटी वेव कर देंगे, कोई कहता है कि आधी फीस दे दीजिए प्लस कुछ कैश दे दीजिए तो बैंक गारंटी वेव कर देंगे। तो इस तरह से हर एक कॉलेज का रूल रेगुलेशन अलग है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। पता चला आपने चॉइस फिलिंग करी, आपको सीट मिल गया, आप वहाँ पहुँचे पहले साल की फ़ीस लेके, और वो बैंक गारंटी या आधी फ़ीस मांग रहे हैं या कैश मांग रहे हैं और आप नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपकी सीट भी चली जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, उसके हिसाब से आगे बढ़िएगा। जैसा मैंने कहा, जो भी राउंड टू में भर चुके हैं, जो ऑलरेडी भर चुके हैं और जिन्होंने बात नहीं की है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू स्टिल हेल्प यू बट टॉकिंग टू दी कॉलेजेस। हमारे कलकत्ता में भी एक ऑफिस है और एक बहुत रिलायबल हमारे बिजनेस पार्टनर है कलकत्ता में, वो आपकी मदद कर सकते हैं। बंगाल के इन 10 में से कुछ कॉलेजेस में NRI सीट्स भी हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो जगन्नाथ गुप्ता में हैं, और थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता, एक सेकंड में बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर NRI सीट है। और NRI सीट में सेम वही फैसे तो फर्स्ट ब्लड चाहिए होता है, बट जैसा कि एज़ पर द ब्रोशर, लेकिन जैसा कि बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में मैंने आपको बताया कि गार्जियन NRI भी चल जाता है। तो गार्जियन NRI के पेपर्स आप अपने बनवा सकते हैं, या चूँकि गार्जियन NRI है तो हम एज ए कंसल्टेंट भी हेल्प कर सकते हैं। और थर्ड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो थर्ड राउंड में तो ये है कि आपको शानदार कॉलेज भी मिल जाएगा अगर आपके मार्क्स कम है। जैसा मैंने कहा, NRI सीट्स IKR में हैं, जो कि हल्दिया में है, IKR सीट NRI सीट जगन्नाथ गुप्ता में है, KPC में है, NRI सीट्स GIS में है, JMN में है, गौरी देवी में है। तो जैसे आपको पता चला कि इसका मतलब IQ में नहीं है और शांति निकेतन बोलपुर में नहीं है, तो जिन 3-4 में हैं वो भी आपको मिल सकते हैं अगर आप NRI रूट के थ्रू जाते हैं, विच मीन्स यू कैन ऑल्सो ट्राई टू गेट KPC ऑल्सो थ्रू NRI। तो ज़्यादा जानकारी चाहिए आप जानते ही हैं, 9643362320 पे कॉल कीजिए, आपका दिन शुभ हो। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, और आप जानते ही हैं कि हम पहली कॉल के भी चार्जेस लेते हैं जो 5,000 रुपये है अब, और उसके अलावा अगर आपको इस तरह की हेल्प चाहिए तो हमारे चार्जेस 75,000 से 1.5 लाख रहते हैं। 30, 50, 75,000 और 1.5 लाख हमारे चार पैकेज होते हैं। 30,000 सिंगल स्टेट नॉर्मल काउंसलिंग के लिए, 50,000 2-4 काउंसलिंग्स के लिए, 75,000 रुपये मोर देन 4-1.5 लाख रुपये जो भी इस तरह की डील्स, नेगोशिएशन, राजस्थान डील, बैंक गारंटी, वेव ऑफ, ये सब बातें जो करनी होती है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। हमारा नंबर 9643362320, बाय बाय।